और चलिए आम लोगों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे का बड़ा फैसला सामने आया है। रेलवे ने 23 शहरों से चलने वाली 28 ट्रेनें 9 मई से रद्द की हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी जनशताब्दी, 2 दुरंतो और साथ ही 2 राजधानी रद्द की गई है। 9 मई से अगले आदेश तक नहीं चलाई जाएंगी 28 ट्रेनें, तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं। और ये खबर आपसे जुड़ी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूरे देश की अगर बात की जाए, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी शहर हो, जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, इसी को देखते हुए रेलवे का ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा निर्णय सामने आया है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राजस्थान में 10 मई से 15 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन यहां पर रहेगा। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। 31 मई तक विवाह समारोह आयोजन करने पर भी रोक लगा दी गई है। विवाह समारोह में डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज की भी अनुमति नहीं होगी। विवाह में बैंड, बाजा, हलवाई, टेंट की भी नहीं रहेगी अनुमति। घर पर दूल्हा दुल्हन फेरे ले सकेंगे या कोर्ट मैरिज कर सकेंगे। ये बड़ी खबर है राजस्थान से। इस दौरान महज 11 व्यक्तियों की ही मौजूदगी को अनुमति यहां पर होगी, क्योंकि राजस्थान में बहुत रफ्तार के साथ, बहुत तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए गहलोत सरकार का ये बड़ा फैसला सामने बिल्कुल आया। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दिल्ली सरकार का भी बड़ा फैसला सामने आ गया है। आंध्र और तेलंगाना से आने वालों का 14 दिनों का क्वारंटीन होगा बेहद जरूरी। 3 दिन पुराने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट पर 7 दिन का क्वारंटीन अब जरूरी होगा। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। आंध्र तेलंगाना में नया वेरिएंट मिलने के बाद ये दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, जिससे कि दिल्ली में जो रफ्तार के साथ संक्रमण फैल रहा है उसमें कंट्रोल किया जा सके। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। जो नया वेरिएंट सामने आया है आंध्र तेलंगाना में, जिसे एक बार के लिए जो जानकारी सामने है, एपी स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, वो ना फैले दिल्ली में, इसको लेकर ये दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है। 3 से 4 दिन में क्रिटिकल स्थिति मरीज की कर देता है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं। मुंबई में घट रही है कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में आए 3056 केस, तो मुंबई में कोरोना की रफ्तार घटती हुई नजर आई है। गुरुवार को 69 लोगों की कोरोना से मौत हुई और मुंबई में रिकवरी रेट 90% पहुंचा है। ये बड़ी खबर है और राहत भरी खबर। तो देखिए लगातार इससे पहले जो मुंबई से आंकड़े सामने आ रहे थे वो बेहद खौफनाक थे, डरा देने वाले थे, और अब जो जानकारी सामने आई है वो राहत देने वाली है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार यहां पर घटती हुई नजर आई है। 24 घंटे में 3056 नए मामले सामने आए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। तमाम पाबंदियां, तमाम सख्ती यहां पर लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद बीते 24 घंटे में 26,622 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। गुरुवार को यूपी में कोरोना से 350 लोगों की जान चली गई। अब तक यूपी में 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, तो यूपी में भी कोरोना के मामले घटने के नाम नहीं ले रहे। लगातार यहां पर भी मामले बढ़ते हुए लोगों की जान भी जाती भी। हालांकि नए नए नियम लाते हुए यूपी सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर जी हिंदुस्तान, कोरोना को धंधा बनाने वालों के खिलाफ चला रहा है मुहिम। और नकली सैनिटाइजर, नकली सिलेंडर, नकली मास्क बेचने वाले को कर रहा है बेनकाब। कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले भी बेनकाब हमारी इस मुहिम से हो रहे हैं, और जो लोगों की जान से खिलवाड़ करेंगे उस पर एक्शन होगा। जी हिंदुस्तान के कैमरे से कोई नहीं बच सकता है। राष्ट्र के नाम जी हिंदुस्तान की ये मुहिम है, क्योंकि आपदा में जो लोग अवसर निकाल रहे हैं, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, उनको जी हिंदुस्तान अपनी मुहिम के जरिए बेनकाब कर रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो इस बात की तस्दीक करती है कि किस तरह से कालाबाजारी हो रही है, और जी हिंदुस्तान की नजर लगातार बनी हुई है। और चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर मुंबई के पास घरों में पैक होती मिली कोविड टेस्ट किट। यहां से ठाणे के उल्हास नगर में बच्चे ये किट पैक करते हुए नजर आए हैं। छोटे छोटे घरों में आरटीपीसीआर टेस्ट किट तैयार हो रही थी, बिना सावधानी के पैक हो रही थी टेस्ट किट। एफडीए ने की कार्यवाही और कॉन्ट्रैक्टर पर केस दर्ज किया गया है। एक किट को पूरी तरह पैक करते हैं आप लोग? 50-50 गिनते हैं। और एक किट पे कितना देता है पैक करने पे आप लोग घर में? 1,000 पे 20 रुपये। 1,000 पे 20 रुपया देता है। और इसको सफाई मतलब जमीन में रख के आराम से धीरे से पैक करते हैं, बच्चे लोग सब पैक करते हैं? जमीन पे नहीं, थाली में रखते हैं या कुछ भी रखते हैं? अभी देखा वहाँ जमीन में था। बच्चों के हाथ सब साफ रहते हैं आपके? हाँ। सैनिटाइज रहते हैं? हाँ।
मैंने देखा अभी कई तरह से कई रूप से देखा है। अभी ये जितने बच्चे यहाँ बना रहे हैं ये सब लोग सब एकदम बढ़िया से बना रहे हैं, सैनिटाइजर लगा के। ये कहाँ रखा है वहाँ सैनिटाइजर मेरे को दिखाओ जरा। नहीं घर में नहीं, यहाँ ये चीज यहाँ पैक हो रहा है और सरकारी रूप दे रहे हैं इसको। ठीक है ठीक है ठीक है। इन लोगों के जान के साथ कितना बढ़िया से रिकॉर्ड हो रहा है, देखिए कितना सावधानी से बना रहे हैं बच्चे पीपी कोविड टेस्ट किट, जिसको गवर्नमेंट इतना महत्व देती है, और इन लोगों के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये मजबूर हैं, मगर जो लोग इन्हें बनाने के लिए दे रहे हैं कारखाने वाले, सोचिए कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोगों के साथ। जब इस तरह ज़मीन में पहले से ही रखा हुआ है और ख़राब हाथों से पैक हो रहा है, तो सोचिए टेस्ट में क्या पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा। चलिए और आपको ये भी बताएं कि दिल्ली के पास सर्जिकल ग्लव्स की फैक्ट्री पर छापा, गाजियाबाद में चल रही थी फर्जी फैक्ट्री, इस्तेमाल किए गए ग्लव्स को धोकर बेचने का धंधा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऐसे ग्लव्स से इन्फेक्शन होने का खतरा यहां पर लगातार लोगों के लिए बन रहा था। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली के पास सर्जिकल ग्लव्स की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है। गाजियाबाद में ये फर्जी फैक्ट्री चलाई जा रही थी और जो ग्लव्स पहले इस्तेमाल किए जा चुके हैं उनको धोकर बेचने का धंधा किया जा रहा था। देखिए जी हिंदुस्तान की भी ये मुहिम है कि जो लोग भी इस तरीके से काला बाजारी कर रहे हैं, इस तरीके का गोरख धंधा चला रहे हैं, उनको हम बेनकाब कर रहे हैं, और एक कार्रवाई यहां से सामने आई है। और चलिए इसी पर हमारे संवाददाता सुमित की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में अस्पतालों से यूज किए गए ग्लव्स को तो यहाँ लाया जाता था, लेकिन ये देखिए ये जो मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इससे इसकी धुलाई की जाती थी। धुलाने के बाद आपको बताते थे किस तरह से ये गोरख धंधा चल रहा था। धुलाने के बाद इस तमाम जो ग्लव्स हैं उसको यहाँ देखिए यहाँ किस तरह से सुखाने का काम चलता था। सुखाने के बाद पाउडर वाउडर डालकर इसकी फिर से रीपैकिंग होती थी। ये बताएंगे कुसुम कैसे कैसे काम चलता था यहाँ। इसे पहले धोते थे फिर धूप में सुखाते थे, जैसे गर्मी बढ़ती गई है तो इसे कूलर जरिया और पंखा लगाया इसे सुखा के, फिर जाके हीट होता है मशीन में हीट होने के बाद पैकिंग होता है अंदर। पैकिंग यहाँ बकायदा इसके अंदर पैकिंग भी होती थी, अभी भी पैकिंग है अंदर। तो देखिए किस तरह से यहाँ ये गोरख धंधा फल फूल रहा था। तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरे इलाके को पुलिस ने सील कर दिया है। क्या मार्केट में उतार दिया गया था? जी उतर गया था, मार्केट में उतारा गया था। कहाँ कहाँ बेचा गया था ये तो नहीं कह सकती मैं कहाँ कहाँ गया, पर यहाँ से तो बहुत जा चुका माल। तो बहुत यहाँ से देखिए इस कोरोना काल में यहाँ से बहुत सारे जो जो कह सकते हैं जो पैकिंग सामान की गई थी, रीपैकिंग की गई थी, उसे मार्केट में उतार भी दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये गया होगा वहाँ वहाँ किस तरह से लोग इन्फेक्टेड हुए होंगे। और देखिए लोग जो हैं इस कोरोना काल में अपने घर में बच रहे हैं, बकायदा इस ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि वो कोरोना के खतरे से बच सके। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब ये अस्पताल से लाया हुआ ग्लव्स आप अगर हाथ में पहनेंगे तो आपको अगर कोरोना नहीं भीया हुआ होगा तो आपको फिर से कोरोना का संक्रमण इस तरह से घिरेगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ गोरख धंधा चल रहा था, और अब आगे की कार्रवाई पुलिस की किस तरह से होती है, क्या उन तमाम हॉस्पिटल्स का पता लग पाता है कि जिसने ये मेडिकल कचरा इन तमाम जालसाजों को दी थी या बेची थी, इसका आने वाले दिनों में जांच में खुलासा हो पाएगा। कैन पर्सन आनंद के साथ सुमित कुमार, जी मीडिया दिल्ली। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नकली ऑक्सीजन सिलेंडर की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली के शाहदरा में ये फैक्ट्री चल रही थी जिसका भंडाफोड़ किया गया है। बिल्कुल, आग बुझाने वाले सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर बनाते थे, नकली ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 से 17,000 में बेचते थे। दिल्ली पुलिस में बड़ी संख्या में नकली सिलेंडर बरामदगी की गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लगातार हमारी यही मुहिम है और इसके तहत कई सारी ऐसी खबरें सामने आ रही है जो आपको जाननी चाहिए। नकली ऑक्सीजन सिलेंडर की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। तो देखिए लोग सबसे ज्यादा इस वक्त तो परेशान है, ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आई। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से आग बुझाने वाले सिलेंडर को ऑक्सीजन सिलेंडर ये बनाकर बेचते थे और नकली ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 से 17,000 में बेचते थे। आपदा में अवसर, आप समझिए कैसे काला बाजारी यहाँ पर की जा रही है। और क्योंकि लोग मजबूर हैं, लोग हेल्पलेस हैं, ऐसे में वो खरीदने को भी मजबूर हैं और ये लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
अजले इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कोरोना वायरस को लेकर एक और वैक्सीन का आविष्कार किया गया है। ये वैक्सीन अब तक आ रही सभी वैक्सीन में से सबसे ज्यादा कारगर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, और जिसकी एक खुराक काफी है, एक ही खुराक करीब 80% कारगर बताई जा रही है। इस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक लाइट, जो कि रूस की ही दूसरी वैक्सीन स्पुतनिक वी वैक्सीन से भी ज्यादा कारगर है। तो ये राहत देने वाली खबर है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत जो हमारे देश को है इस महामारी से लड़ने के लिए, वो ऐसी दवाई की है जो कि लोगों की जान बचा सके। तो अच्छी खबर निश्चित तौर पर रही है ये, और हम उम्मीद यही करते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में अगर ये वैक्सीन आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत वाली बात होगी। फिलहाल इस खबरों में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटें।